सूरह रहमान की हकीकी तस्वीर पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, सरहद और बलोचिस्तान। कुरान की जबान में तफसीर रहमान कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बलोचिस्तान की तरह सिंध के थर की जमीन भी खुश्क बंजर है, मगर ये हालत जाहरी है। इसका चप्पा चप्पा मादनी दौलत से मालामाल है। कुदरत के वो बेबहा खजाने या दफन हैं, जो दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता मुल्कों को भी मयसर नहीं। तवानाई का सबसे सस्ता और कुदरती जरिया माया गैस को माना जाता है। थर इस्लाम कोट के मकाम से चंद किलोमीटर दूर एक गांव बांभड़िया बैल में सिंध हुकूमत की जानिब से काम करने वाली पाक ओएसएस नामी कंपनी ने पानी की खुदाई का काम शुरू किया, तो महज 400 फुट पर माया गैस का वो खजाना निकल आया जो शहीद बेनजीर भुट्टो के थर के लिए देखे गए ख्वाब की ताबीर, बिलावल और जरदारी के इरादों की तकमील है। ये कुदरती गैस न सिर्फ थरपार कर बल्कि पाकिस्तान की भी किस्मत और काया पलट सकती है। रहमान पाकिस्तान पर कितना मेहरबान है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद मील की दूरी पर भारत है। एक ही जमीन, एक ही जोग्राफिया, मगर पाकिस्तान मालामाल, भारत महरू। छह जून से मुसलसल और पूरी कुवत से निकलने वाली इस गैस को आग लगाकर नीले शोले में बदल दिया गया है ताकि फिजा आलूदा ना हो, मगर हुक्मरानों की तवज्जो इसे जखीरा करने की बजाय कतर से महंगी गैस दरामद करने पर है। माले मुफ्त हमारा शेवा नहीं, हम लिल मुकज्जबीन हैं, कुदरत को झुटलाने वाले।